and today we will learn the formation of degrees of comparison of adjectives. कैसे degrees of comparison जो है वो बनती है. First of all we should have knowledge about degrees. कि degrees होती क्या है, कितनी degrees होती है, उनका use क्या होता है. ठीक है, तो first of all let's understand it. तो डिग्रीज क्या होती है, हमारी जो फर्स्ट डिग्री होती है वो होती है पॉजिटिव डिग्री. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कभी कभी इसको हम एब्सोल्यूट डिग्री भी बोल देते हैं, पॉजिटिव डिग्री बोल देते हैं, बट हियर वी टेक इट एज पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट होती है कंपैरेटिव डिग्री एंड लास्ट में होती है सुपरलेटिव डिग्री. ओके, तो ये जो डिग्रीज होती है इनका यूज क्या होता है, ये चीज भी आपको क्लियर कर दूं. सबसे पहले है ये पॉजिटिव डिग्री. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, सिर्फ ओनली वन, एक पर्सन की क्वालिटी ही शो करनी होती है. एक ही पर्सन कैसा है, वो ऑनेस्ट है, ठीक है, वो गुड है, या फिर वो जैसा भी है, ठीक है, उसको हमने बताना होता है. नेक्स्ट थिंग क्या होते हैं, नेक्स्ट होती है ये कंपैरेटिव डिग्री. इसमें क्या होता है, हमें टू पर्सन के बीच में एक को बेटर शो करना होता है कि ये जो है इससे अच्छा होता है. ठीक है, तो मतलब कि एक पर्सन जो है, मतलब हम राम और श्याम जो है क्या है, टू पर्सन है. ठीक है, तो हमने क्या बोला है, राम इज बेटर देन श्याम. ठीक है, या श्याम इज बेटर देन राम, मतलब कि क्या है, एक को क्या करना, हमने दूसरे से बेटर शो करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि इज बेटर देन राम, बेटर देन श्याम. ओके, एंड नेक्स्ट डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, ग्रुप. ठीक है, जब एक पर्टिकुलर ग्रुप में से, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप में से किसी एक को हमने चूज करना है और हमने क्या बोला है, ये इज द बेस्ट. ठीक है, अब तो क्या है, उसमें क्या है, हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है. और सुपरलेटिव डिग्री का जब यूज करते हैं तो एक चीज और माइंड में रखनी है कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज जब भी हम करेंगे तो हम उसके साथ एक आर्टिकल यूज करेंगे और वो आर्टिकल क्या होगा, द. जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी तो द आर्टिकल जो है ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री के साथ रहेगा. ये चीज आपने जो है ध्यान रखनी है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. कैसे जो है इसकी डिग्री की फॉर्मेशन होती है, ये चीज अंडरस्टैंड करें हम. तो इसका जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, वो देख लेते हैं. फर्स्ट है हमारा बाय, नंबर वन है बाय एडिंग ई आर ई एस टी. ठीक है, तो उसमें क्या है, हमने टू वर्ड्स, ठीक है, टू वर्ड्स एड करने हैं. मतलब कि पॉजिटिव डिग्री क्या है हमारे पास, पॉजिटिव डिग्री में ये आ जाएगा हमारे पास जैसे स्वीट, तो आगे हमने क्या करना है, स्वीटर, स्वीटेस्ट. ओके, तो हमने क्या किया इसमें, सिर्फ ई आर और ई एस, इसमें ज्यादा अंडरस्टैंड करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हमने क्या किया, ई आर और ई एस टी लगा के इसकी डिग्री रेडी कर दी. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. ओके, तो ये क्या हो गया, हमारी जो है ई आर और ई एस टी का यूज करके क्या बन गई हमारी, कंपैरेटिव, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री हमारी रेडी हो गई. और ये क्या है हमारी, दिस इज ये क्या है हमारी पॉजिटिव डिग्री. ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है. ठीक है, जब हमने एक का कंपैरिजन करना है तो ये यूज करनी है, दो में करना है, बेस्ट शो करना है तो ये यूज करनी है, और जब हमने ग्रुप में से किसी एक को बेस्ट शो करना है तो हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. ये इसको आप फर्स्ट रूल भी बोल सकते हैं सिंपल में, कि क्या है, सिर्फ हमने क्या करना है, ई आर और ई एस टी का यूज करना है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नेक्स्ट रूल. अब इसका नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल बाय, नंबर रूल नंबर टू बाय एडिंग आर एस टी. ठीक है, तो इसमें आर और
और एस टी यूज होंगे, कब यूज होंगे ये, व्हेन पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई. ओके सो लेट अस अंडरस्टैंड द रूल फर्स्ट. तो इसमें क्या होगा बेटा कि इसमें क्या है, बाय एडिंग इसमें हमने ईआर और ईएसटी यूज नहीं करना है, सिर्फ आर और एसटी यूज करना है. आर और एसटी कब यूज करना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब हमारा जो एंड होगा, वर्ड का एंड किस एंड में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा. ठीक है, वर्ड के एंड में क्या आने वाला है, यहाँ पे ई आने वाला है. तो क्या होगा हमारा इसमें जो है, अभी हम ऐसे करते हैं कि यहां से ये सुपरलेटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री जो है इसको नीचे लेके आते हैं. ठीक है, उसके बाद जैसे ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ओके. तो इसमें क्या है, पॉजिटिव डिग्री में क्या है, मैंने क्या कहा कि सिर्फ हमने ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, ये तो हमारे पास वर्ड होगा जो भी है. तो नेक्स्ट वर्ड है कंपैरेटिव डिग्री, तो उसमें आर का यूज करना है और इस वर्ड में हमने एसटी का यूज करना है. लेकिन ये कब होगा, जब हमारे एंड में ई वर्ड यूज होगा. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपको देती हूं, ब्रेव, ब्रेव तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या आ जाएगा, ब्रेवर. और सुपरलेटिव डिग्री में क्या आ जाएगा, ब्रेवेस्ट. ओके, तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी ई एट द एंड. ठीक है, एंड में क्या है, हमारे पास ऑलरेडी ई है, तो हमें क्या है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अभी ई आर भी लगाओ, ई एस टी भी लगाओ, ये चीज नहीं है. या फिर ऐसे भी नहीं कर देना कि ऑलरेडी हमारे पास ई है तो इसमें और ए का डबल ई कर दिया. ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है. तो हमने क्या करना है, वी हैव ऑलरेडी ई, तो हमने क्या करना है, सिंपल में आर और एस टी लगा देना है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट. ओके, अब इसमें भी देखो लास्ट में क्या है, हमारे पास एंड है, सॉरी ई है एंड में. तो क्या है, अगर ई है तो हमने आर और एस टी का यूज करके क्या कर दिया, इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज की रेडी कर दी. ओके, एंड नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि कैसे डिग्री फॉर्म होती है, तो चलो देखें. When we have single consonant at the end and it preceded by a short vowel. Okay? तो क्या हो जाएगा, जब एंड में क्या होगा, एक सिंगल कॉन्सोनेंट होगा और उसके पीछे क्या होगा, एक शॉर्ट वॉवल होगा, तो वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, देन कॉन्सोनेंट विल बी डबल. ओके, तो ये ध्यान रखना है आपने कि इसमें क्या बताया गया है, व्हेन वी हैव सिंगल कॉन्सोनेंट एट द एंड. ठीक है, एंड में क्या है, एक सिंगल कॉन्सोनेंट है. ठीक है, ये चीज समझ लेनी है आपने. एंड इट प्रिसीडेड बाय अ शॉर्ट वॉवल, प्रिसीडेड मीन्स की प्री में, यानी कि कॉन्सोनेंट के पीछे क्या है, शॉर्ट वॉवल है. ठीक है, वॉवल है. तो जब क्या होगा, जब ऐसे जो है कोई भी डिग्री हमने बनानी है तो कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. ठीक है, उसमें क्या है, कॉन्सोनेंट क्यों क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. और इसमें क्या होगा,
ई आर और ई एस टी का यूज भी होगा, ये चीज भी ध्यान रखनी है। सो ये कैसे होगा, लेट्स टेक अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल। बिग बिगर Now,
अभी इसकी तरफ नहीं देखना, ये मैंने आपको पहले क्लियर करवा दिया है, ठीक है। अभी आपने जो भी देखना है वही डिग्रीज की तरफ देखना है, जो हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है रेडी की है इसकी तरफ देखना है, ओके। तो इसमें क्या बताया गया है, दिस इज बाय एट द एंड, ठीक है। वर्ड है हमारे पास हैप्पी, एंड में क्या है, वाई है, ठीक है, वाई है। तो वाई किसमें चेंज हो गया, आई में हो गया, ठीक है। और इसके साथ हमने ईआर लगा दिया और ईएसटी लगा दिया लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो इस वजह से हमारी डिग्री क्या होगी, रेडी हो गई। द नेक्स्ट देखो लेजी है, इसमें भी वाई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वाई किसमें चेंज हो गया, आई में चेंज हो गया और ईआर लगा दिया, वाई आई में चेंज हो गया, ईएसटी लगा दिया, हमारी डिग्री जो है चेंज होगी। तो ये याद रखना है आपने कि जब क्या होता है हमारे पास किसी भी वर्ड के एंड का जो लेटर है वो क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। तो उसको आई में चेंज कर देंगे और साथ में ईआर और ईएसटी लगा के हमारी जो है डिग्री रेडी हो जाएगी, ओके। नाउ नेक्स्ट रूल, अभी नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, ये चीज भी हमने अंडरस्टैंड करनी है प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो है वो कैसे बनते हैं, बाय बाय प्लेसिंग मोर एंड मोस्ट एट द बिगिनिंग, अब इसमें क्या है, मोर और मोस्ट वर्ड जो है जिसे हमारे पास जो पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, एक हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट डिग्री होगी, तो वो ऐसे नहीं होगा कि हमने हैप्पियर हैप्पीएस्ट है टॉलर टॉलेस्ट बना दी, तो वो क्या होगी, मोर एंड मोस्ट लगा के उस डिग्री को हम रेडी करेंगे, ओके। तो कैसे होगा ये, उसके लिए आपने एक चीज का ध्यान रखना है बेटा कि ये चीज करती है सिलेबल के ऊपर। सिलेबल क्या होती है, हमारी साउंड होती है, सिलेबल वर्ड जो है, मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ, सिलेबल, ठीक है। अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, एक वर्ड का एक ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है, हमें क्या करना होता है, हमारे जैसे कि ये वर्ड आ रहा है हॉट, ठीक है, आगे आया बिग, ठीक है। तो ये देखो हॉट एक ही साउंड आ रही है, एक ही सिलेबल है, बिग एक साउंड आ रही है, एक ही सिलेबल है, ठीक है। जबकि क्या है, करेजियस में साउंड क्या है, करेजियस, कितनी, थ्री साउंड आ रही है, थ्री सिलेबल है। इंडस्ट्रियस थ्री सिलेबल साउंड आ रही है, थ्री सिलेबल है, ठीक है। तो ये आपने ये ध्यान रखना है कि जहां पे सिर्फ एक सिलेबल होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या है हमारा ईआर आर एस टी या फिर ईआर ईएसटी लगाते हैं, हमारी डिग्री रेडी हो जाएगी। लेकिन जहां पे हमारा जो सिलेबल होगा वो क्या होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा, तो क्या होगा हमारा, उसमें मोर और मोस्ट का यूज करेंगे हम, जब हमारी साउंड जो है टूट के आएंगी, टू या थ्री साउंड जो है एक ही वर्ड में होंगी, तो क्या होगा हमारा मोर और मोस्ट का यूज होगा उसमें, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल, कैसे करना है एग्जांपल के थ्रू, ये जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, ओके। तो ये देखो
क्या हो गया, अब जैसे मैंने आपको बताया कि साउंड्स जब टू या थ्री होगी तो क्या होगा, हमें उसमें जो है ये चेंज करना पड़ेगा। जैसे ब्यूटीफुल है तो क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। जब हम कंपैरिजन, जब एक एक को बोलेंगे तो ब्यूटीफुल बोलेंगे, जब टू में कंपैरिजन करेंगे तो क्या बोलेंगे, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, ठीक है। शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ओके। तो अगर हम थर्ड बोलेंगे, थर्ड में करेंगे तो हम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल बोलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। शी इज ही इज मोर करेजियस, ठीक है, या शी इज द मोस्ट करेजियस गर्ल, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो मतलब कि क्या है, जहां पे सिलेबल टू या थ्री सिलेबल्स का यूज हो रहा है वहां पे हम मोर और मोस्ट लगा के जो है सुपरलेटिव डिग्री को रेडी करेंगे, ये चीज का आपने ध्यान रखना है, ओके। सो अब आगे एक लास्ट जो एक हमारा रह गया वो रह गया इरेगुलर कंपैरिजन, ठीक है। इरेगुलर कंपैरिजन क्या होता है, उस चीज का भी ध्यान रखना है। लास्ट में रह गया हमारा इरेगुलर कंपैरिजन। इरेगुलर कंपैरिजन इरेगुलर कंपैरिजन क्या होता है, ये चीज भी आपने देख रही है कि इरेगुलर कंपैरिजन क्या होता है, इसमें इसको मैं आपको क्लियर कर देती हूं। पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, अब इसमें आ गया मैंने क्या बताया आपको इरेगुलर कंपैरिजन। अब इसमें क्या होगा कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसका अपना वर्ड होगा, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का अपना वर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि एक हमारे पॉजिटिव डिग्री में वर्ड आ गया उसी को हम ईएसटी लगा के जो है सुपरलेटिव में कंपैरेटिव में ईआर लगा के यूज करें, उसी वर्ड को हम ईएसटी लगा के सुपरलेटिव में यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, हर वर्ड का क्या होगा, अपना एक जो है अलग वर्ड होगा हर डिग्री में, ओके। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। तो ये आप देख रही हैं कि हर एक क्या है, ये बैड आ गया तो बैड के बाद हम ये नहीं कह सकते कि बैड बैडर बेडेस्ट, ठीक है, गुड गुडर गुडेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा कि गुड का अपना एक अपना नाम है, एक अपना वर्ड है, बैटर और बेस्ट जो है अपनी अपनी अलग अलग डिग्री है, ठीक है। इनको जो है वैसे चेंज नहीं कर सकते जैसे बाकी वर्ड्स होते हैं जो, और नेक्स्ट क्या है, बैड वर्स वर्स्ट, तो ये अपने अपने वर्ड्स जो है इन डिग्रीज के होते हैं, ठीक है, इसको रेगुलर कंपैरिजन बोलते हैं। सो आपको जो है एक बार फिर से मैं लास्ट में ये क्लियर कर दूं कि एक जो है अगर एक की क्वालिटी बतानी है तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, दो में बतानी है, दो में बेस्ट बताना है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, और ग्रुप में जो में से बेस्ट चूज करना है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।